साथियों लाइव प्रसारण में दोबारा जुड़ जाएं, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था इसलिए फोन बीच में थोड़ा काटना पड़ गया था। ये लाइव प्रसारण जीके प्रश्नोत्तरी में लाइव प्रसारण में दोबारा जुड़ जाओ भाई सारे के सारे दर्शक एक बार। साथियों सारे के सारे चुनू मुनू बटले हो जाओ भाई, जीके प्रश्नोत्तरी चलेगी। देख रहे हैं आज है तो नेटवर्क की समस्या है, कुछ न कुछ देखते हैं फिर भी कोशिश करते हैं। सारे लाइव में दोबारा आ जाओ भाई साथियों, देखते हैं कौन सा अगले प्रश्न का और कौन सा जवाब देगा भाई। दो प्रश्न हमारे हो चुके थे वैसे लाइव प्रसारण में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत थी। रामपद राम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अब दोबारा बता दें भाई कैसे आवाज़ आ रही है। तो लाइव चलना ही असल तो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब है आकृति दीप्ति हमारे साथ आज चरण में दोबारा जुड़ जो भाई सारे के सारे पटले हो जो भाई। जय हिंद जी, आवाज कैसी आ रही है रामपद राम जी बताएं थोड़ा सा। खुशी बेटा हमारे साथ आ चुके हैं, खुशी और आदित्य हमारे साथ आ चुके हैं लाइव प्रसारण में, स्वागत है। रमेश धनकर जी हमारे को लाइव देख रहे हैं, प्रसारण में स्वागत है भाई साहब आपका। काला गोयत जी, राजेश कापड़ो जी दोबारा जुड़ गया भाई। राकेश कुमार आईडी से मास्टर मांगा कालिया, सही आ रही है आवाज भाई। मैं तो सुन नहीं पता बोल रहा हूँ, यो जुकरबर्ग बिरानी के एकड़ का छोटा भाई, किसी ने गड़बड़ कर रखी है, बनार लग गया है। यूं देख लिया है मास्टर 8 बजे बैठा है लाइव आने खातर, अरोड़ा करते है यूरोप में तो गड़बड़। अब ठीक आ रही है, चलो बहुत बढ़िया भाई, चलो यह भी अच्छी बात हुई। मैं नहीं गया जुकरबर्ग भी भाई जी के प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण स्वागत है। एक बार शेयर का चोटा ही कड़ा मार दियो भाई। मेहताब नफरिया स्वागत है भाई साहब आपका। लवी कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश गोयत कापड़ो हार्दिक अभिनंदन है। अमरजीत पुनिया भाई डी ठटका ने बाट देखा, बड़का के नाम जरूर लिखवा दियो भाई सारे। लक्की अंकुश अकृति दीप्ति पंकज ध्रुव खोखा और कुनाल हमारे साथ जुड़ चुके थे, और भी बच्चों के नाम जरूर लिखवा दें भाई सारे। अमरजीत पुनिया जी, अंकुश, हाँ अंकुश कुचराना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवी कुंडू जी गुड बता रहे हैं भाई। बड़का ने पास में बैठा लो भाई, चुनू मनुआ ने सारे टाबर की चूल्हा न्योंद है, देखेंगे कौन सा जीनियस बनेगा। हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर। राजेश सोनी जी दोबारा जुड़ गए हमारे साथ। जीके प्रश्नोत्तरी में दो प्रश्न आ चुके थे भाई पहले, लेकिन कोई लाइव प्रश्न। रमेश धनकर कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाँ अच्छी आवाज आ रही है भाई, धन्यवाद भाई साहब रमेश जी। अमरजीत पुनिया जी देखते हैं, माय सन आर्यन पांचवी क्लास में। राजेश आर्यन बेटा स्वागत है आपका, बहुत अच्छा नाम दरवा रखा है भाई, प्यारा लग गया नाम बिल्कुल। और पंकज अब साफ आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया भाई। देखेंगे भाई अगला प्रश्न का जवाब कौन सा देगा भाई। पृथ्वी पर 2 दिन हुए हैं भाई एक समान हुए हैं, जो से उनमें तो कोई भी एक दिन बता दो चाहे जो दिन और रात बराबर हुए हैं पृथ्वी पर। शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया बिल्कुल शेयर कर दिया सारे ग्रुपा में भाई राकेश आईडी से। खुशी बेटा ने बहुत धन्यवाद। और संदीप शर्मा साहिल जी थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया ग्रुपा में शेयर कर दियो भाई, जो से अच्छे ग्रुप जागरूक ग्रुप हो, मतलब टेस्ट की तैयारी करनी है हो या कोई जीके की रुचि लेनी है हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर शुरू में शेयर करते हैं तो वो प्रश्नोत्तरी एकदम उठ जाए है। और लाइव प्रसारण में सैकड़ों विद्यार्थी जवाब देवे हैं तो उसके कारण फिर कई हजार व्यू हो जाए हैं। तो भाई देखेंगे कौन सा एंडी जवाब देगा। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर हुआ है, इसका जवाब आपने देना है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर हुआ है, इसका जवाब बताना है भाई आपने। देखेंगे कौन सा जवाब देगा सही। शेयर कर दिया राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत अच्छा। संदीप शर्मा साहिल बिल्कुल जीनियस बने हैं, दोनों जवाब सही है बिल्कुल आपके। 2 दिन हुए हैं साल भर में भाई जिसमें मतलब दिन और रात बराबर हुआ है 12-12 घंटे के, वो मध्य रेखा पर तो दिन रात बराबर हुए हुए ऐसे हैं, लेकिन साल भर में दोनों गोलार्धों में 2 दिन इसे हुए हैं जिसमें दिन रात बराबर हुआ है। पंकज छात्र चाला पाट दिया भाई, संदीप शर्मा साहिल डूडे खा दिए बिल्कुल। अमरजीत पुनिया जमा कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छे बोनी अच्छी होगी भाई इस प्रश्न की जमा सही। सही जवाब दिया है 21 मार्च या 23 सितंबर दोनों को, 23 सितंबर को भी होता है और वो जल्दी आने वाला है जो, और 21 मार्च को। राकेश कुमार आईडी से 25 सितंबर दे रहा है बेटा, 2 दिन फालतू डांक मार गया, तो 23 सितंबर हुआ है जो दिन और रात 12-12 घंटे के हुए हैं धरती के ऊपर है। बहुत बढ़िया, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर है। नमस्ते मास्टर जी बोल रहे हैं बलजीत भाई, राम राम भाई। जीके प्रश्नोत्तरी में सबका स्वागत है। बच्चा ने पास में बिठाओ भाई अपने चुनू मनुआ ने। रमेश धनखड जी 21 मार्च और 23 सितंबर जीनियस बने आप बिल्कुल, बहुत बढ़िया सही जवाब है। अमरजीत पुनिया जी लाइव प्रसारण स्वागत है आपका, बच्चे ने पास में बैठा लो भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जैन धर्म के
अंतिम जो तीर्थकर थे वो कौन से थे? 24वां तीर्थकर जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर बताओ, जीनियस कहलाओ। जीत गए, हाँ जीत गए भाई, आप जीनियस बन गए, जीत गए, बहुत बढ़िया, बधाइयां हो आपको। 23 फरवरी ने एक एक डब्बा रसगुल्ला का पक्का भाई, सारे चुनू मनुआ का चिंता ना करो भाई, चले कोने वाला हाथ का निकल रहता रहा, मैं जानू हूँ सारे आकर शेयर जरूर करते हो भाई। शुरू में संजय सिंह देख रहे हैं, लाइव प्रसन्न स्वागत है भाई साहब आपका, राकेश कुमार आई टी से। कोई बात नहीं सर, मिस्टेक वाली कोई बात नहीं, मैं समझ गया था, शेयर कर दिया आपने। मास्टर राजेश बनभोरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव प्रसन्न स्वागत है भाई साहब आपका, लेटे लेटे देख रहे हो, बालखाना भी दिखा लो भाई। पंकज छात्र सही जवाब दिया है पंकज ने, बहुत बढ़िया, जीनियस बना है ये बच्चा, तो भाई आपका कामयाब होने वाला है, बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल उज्जवल भविष्य हो आपका, विद्यार्थी जीवन में आपने अच्छी नॉलेज है। जब आगे है भाई, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। साहिल ने जानकारी दी है, कमेंट पढ़े सभी बच्चे। राकेश कुमार ने सही जवाब दिया है, सुनील बैनीवाल ने चाला, लाइव प्रसारण स्वागत है भैया आपका। सुशील कुमार चांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव प्रसारण में जी के प्रश्नोत्तरी स्वागत है। दीप्तिया करते ने सही जवाब दिया भिवानी से, बहुत बढ़िया। मास्टर राजेश बनभोरी जीनियस बने हैं, गुवांडी भाई भाई बहुत बढ़िया, बच्चों के नाम जरूर लिखवा दें भाई राजेश भाई। मैं हरिकेश कापड़ो आपका गुवांडी स्वागत करूँ आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। शेयर वेलकम, थोड़ा सा शेयर करने में कंजूसी ना करया करो भाई, बार बार कहने का व्यू जग रहा है बात है। अगला प्रश्न है भाई, भारत का राष्ट्रीय आगे है भाई, रमलू गादड़ का डर गया इसमें कारक बताओ। राष्ट्रीय जलीय जीव तो पूछ लिया था मैंने, क्योंकि उसके बाद है मतलब लाइव प्रसारण कटना पड़ गया था थोड़ा, अपने दो प्रश्न पीछे आ चुके थे। अमरजीत पुनिया मान गए गुरु जी बता रहे हैं भाई, धन्यवाद। रणदीप गोयत स्वागत है भाई, नमस्ते नमस्ते सभी को। अनिल नैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश चौने जी, महावीर पिछले प्रश्न का सही जवाब दिया है, अनिल कापड़ो हमारे साथ लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई साहब, और रणदीप गोयत हमारे को लाइव प्रसारण देख रहे हैं, हरिकेश कापड़ो स्वागत करता है भाई आपका, जीके प्रश्नोत्तरी बड़का ने चुनू मनु ने पास में बैठा लो भाई, विद्यार्थियों ने सारे ने। मास्टर राजेश बनभोरी ईशा बिट गया, अरे वाह ईशा बहुत बढ़िया, स्वागत है बेटा आपका, रोल नंबर 27 है। और रमलू गादड़ का डर गया इसमें कारक बताओ भाई, रमलू गादड़ का डर गया इसमें कारक बताओ भाई, रमलू जाओ था कड़िया जंगल में और गादड़ आ गया रोड डर गया उसका, तो इसमें कारक बताओ भाई, सीधी बात है, देखते हैं भाई। अरे वाह मास्टर राजेश बनभोरी इसी का आते छक्का मार दिया, धोनी बन गए तुम तो भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल, बहुत अच्छे मास्टर राजेश बनभोरी की तरफ से। प्रश्न दोबारा बोल रहा हूं भाई, रमलू गादड़ का डर गया इसमें कारक बताओ, हिंदी व्याकरण का मामला है, हरियाणवी का एक शब्द वाक्य है, करण कारक बता रहे हैं बलजीत आईडी से भाई, रमलू गिद्दड़ से डर गया, रमलू गादड़ का डर गया हरियाणवी भाषा का शब्द है, एक वाक्य है, इसमें न्यू बताना आपने कारक कौन सा है, देखेंगे भाई कौन सा एनडी जवाब देगा। मास्टर राजेश बनभोरी ईशा ने जवाब दे दिया है, एक तो एक बलजीत आईडी से जवाब आ चुका है, जीनियस देखेंगे कौन सा बनेगा भाई, रमलू गादड़ ता डर गया इसमें कारक बताओ भाई, कड़ा तो हिंदी व्याकरण रखा है, मास्टर मांगा कालिया करण कारक बता रहे हैं भाई। अमरपाला अमर आईडी से लाइव प्रसन्न स्वागत है भाई आपका, दोबारा जुड़ गया अंकुश, हार्दिक अभिनंदन है आपका, रोल नंबर 2 ही रहेगा क्योंकि दोबारा लाइव आ चुके हैं आप, और आपने बताना रमलू का दड़ तड़ गया इसमें कारक बताओ भाई, देखेंगे कौन सा आज जीनियस बनेगा भाई, करण कारक बता रहे हैं भाई। संदीप शर्मा साहिल जी भी करण कारक बता रहे हैं भाई, करण कारक बता रहे हैं ये दोनों, और देखेंगे भाई गौरव कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव हार्दिक अभिनंदन है भाई आपका जीके प्रश्नोत्तरी में, थोड़ा सा शेयर जरूर कर दियो भाई, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। अच्छा रणदीप गोयत जी बैठे हैं मास्टर जी, तो जी के प्रश्नोत्तरी में देखेंगे भाई चुनू मुन कौन से सवाल सही सवाल जवाब करेंगे। हाँ अगर रीजनिंग की कोई समस्या है किसी भी बच्चे को, विद्यार्थी को कोई शंका है किसी भी विषय पर, और हिंदी व्याकरण पर किसी भी टॉपिक पर कोई भी शंका है, तो ज्यादा तो मैं लाइव प्रसारण में नहीं दे सकता, लेकिन मोटा मोटा हिंट जरूर बता दूंगा, या बाद में फोन करके व्यसन पूछ लिया करो भाई व्यसन तक कोई समस्या हो तो, क्योंकि विद्यार्थी है जो स्कूल से दूर है, अध्यापकों से दूर है फिलहाल, है समस्या से आ रही है कोरोना वगैरह की, हालांकि अब भविष्य में या प्रश्नोत्तरी थोड़ा सा पुरानी पड़ जाएगी, उस टाइम पे तो खुल जाए स्कूल के बिराले, तो कोई भी समस्या हो तो पूछ लिया करो भाई, छूट है तुम्हारी बच्चों,
ज्ञान बढ़ना चाहिए अपना। राजेश सोनी जी करण कारक बता रहे हैं, केडी का प्रो देख रहे हैं भाई, श्रोतरी में बड़का ने पास में बैठा लो बीमारी, किस का प्रो दुर्गाना सुदन बामण का पोता स्वागत करू सुतारा। अरे भाई इसमें करण कारक कोई नहीं, इसमें है अपादान कारक, क्योंकि पढ़ने का अर्थ में और भाई डरने का अर्थ में अलग होने का अर्थ में अपादान कारक होया करे से। जीके प्रश्नोत्तरी में थोड़ा सा शेयर करने में कोई दिक्कत आ रही है, केरा के बात हो रही है भाई, बढ़िया बढ़िया ग्रुप छाट कर शेयर करते हो भाई थोड़ा सा, ताकि सैकड़ों की संख्या में बड़क जुड़ेंगे तो मतलब है अच्छा या आनंद सा होगा। अमित चौकंद काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव प्रसारण स्वागत है भाई साहब आपका। अनुज जट आठवीं क्लास लोटस, अच्छा बहुत बढ़िया भाई अनुज, स्वागत है आपका। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आठवीं क्लास से, और संजय शर्मा लाइव प्रसारण दोबारा जुड़ गए हैं भाई, पूर्वी को पास में बैठा हो, पूर्वी और नया चुन्नू मुन्नू आया है भाई जो, उसको भी बैठा लो, एबीसीडी तो जानता ही होगा वो, तो वो भी ताऊ का संपर्क में आ रहा है कई दिन तक। अमरपाल संपर्क बहुत बढ़िया भाई, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण स्वागत। आज कल के तो भाई एबीसीडी रहनार तो सिक्के छक्के जमे है, मोबाइल ना गबोट दे है पैदा होते हैं। तो अगला प्रश्न है भाई, देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा, इसका अपादान कारक होगा भाई, क्योंकि डरना पटना का अर्थ में प्यारे बच्चों पांचवा कारक अपादान कारक होया करे से, रमलू गिद्दड़ से डर गया छे। शर्मा जी लाइव प्रसारण स्वागत है भाई साहब आपका। सुनील जी हमारे साथ मित्ता थल से भिवानी से जुड़ चुके हैं, फतेहबाद में रहते हैं, बच्चा ने पास में बैठा हो भाई चुनू मनवाना है। आकृति ने सही जवाब दिया भिवानी से, बहुत बढ़िया उत्तर भाई, बहुत अच्छे शाबाश। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनियो भाई, 43, 45, 50, 60 और 77 आगे क्या आएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कभी कभी रुक रहा है तो भाई रो पीट का चल पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो दिनेश ढिलों जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण में, 43, 45, 50, 60, 77 आगे क्या आएगा, एक श्रृंखला बन रही है भाई, और श्रृंखला में आपने पूर्ति करनी है, रीजनिंग का सवाल है, किसी भी नवोदय सैनिक स्कूल की टेस्ट की तैयारी करनी है, या फिर आपका एचटेट वगैरह सीटेट वगैरह है, या फिर आपने एचएसएससी लेवल का कोई टेस्ट देना है ग्रुप डी का कलर का, तो उसमें आकर खड़े हो जाए यहाँ पे कड़ी गणन लग जाए यहाँ फिर, तो इसलिए ये प्रश्न ऐसे शुरू में ही करे जावा, हालात अच्छी बात है इनका निपटा जावा। नमस्ते गुरु जी, कहाँ बिजी थे, बिजी कहीं नहीं था भाई, थोड़ा सा डेली की बजाय थोड़ा सा सप्ताह में एक बार प्रश्नोत्तरी कर रखी है। अंकल जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, बच्चा भाई फतेहबाद से, मित्ता थल भिवानी से हैं, वो ऐसे फतेहबाद में रहते हैं, बहुत बढ़िया सुप्रभात भाई सभी को। 43, 45, 50, 60 और 77 आगे क्या आएगा देखते हैं भाई। अच्छा गदर शेर से डरकर भाग गया, ऐसा कहना चाहिए गदड़ से डर के बाज गया, अच्छा कोई बात नहीं, कैसे भी कह लो भाई डरना चाहिए उसमें, अरे डरने का मतलब कौन सा कारक नहीं बताना है, बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए राजेश सोनी जी, अब मतलब बच्चे को एक अवधारणा स्पष्ट होगी अब भाई इसमें ये चीज आया कर, डरना का अर्थ में पढ़ना का अर्थ में अलग होना का पृथक होना, तो ये अपदान कारक होगा। रमेश लोचब दोबारा जुड़ गया, स्वागत है भाई साहब आपका, सिर आंखा पे बैठाना चाहोगे। नरेश पुनिया जी सारे साथियों का स्वागत है भाई, बड़का ने पास में बैठा लियो, थोड़ा थोड़ा संख्या बढ़ रही है लाइव प्रसारण की, तब हमने शेयर करा, बहुत बहुत भला हो, लंबी उम्र हो, 100 साल जियो सारे। आंसू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई आपका, और शेयर का चोटा मार दियो भाई, 43, 45, 50, 70, 60 और 77 है, इसमें आगे क्या आएगा, 43, 45 दो का अंतर है देख लियो भाई, 45 और 50 में 5 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, आगे और देखो क्या क्या आ सकता है, देखो उसके आगे 17 का अंतर है, देखते हैं वह कौन सा सही जवाब देगा। थोड़ा सा कठिन सवाल जरूर है, लेकिन रीजनिंग का सवाल इस तरह के सवाल आया करने खड़े हो जाए हैं जब आपने फिर दिक्कत आवा है भाई। तो 43, 45, 50, 60, 77 उसके आगे क्या आएगा, देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा। 101 नेड़े देड़े तो ला दिया बेटा, एक दो डांक और मार, थोड़ा सा खुशी बेटा सही जवाब है, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश करो, नजदीक है मतलब ठीक होने के नजदीक है बिल्कुल। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ लाइव प्रसारण स्वागत है भाई जी आपका। अनिल जैल जाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाट भाई जी स्वागत है आपका। 43, 45, 60, 77 आगे 96 बता रहे हैं भाई। राम राम सर जी बता रहे हैं, मैं अनिल जाट स्वागत है भाई आपका। राम राम सभी को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, और देखते हैं मैं कौन सा सही जवाब देगा। 43, 45, 50, 60, 77 शुरू में 2 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 17 का अंतर है, ये अंतर कैसे क्लियर करोगे देखते हैं।
कमेंट्स से छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, विद्यार्थी हैं, समझ जाओगे अगर हिंट दूंगा तो। एक का वर्ग जमा एक, ये अंतर है भाई। एक का वर्ग जमा एक, दो का वर्ग जमा एक, इसी तरह से तीन का वर्ग जमा एक, चार का वर्ग जमा एक, पांच का वर्ग जमा एक। अब तुम करो भाई। अरे वाह, मास्टर मांगा कालिया की तरफ से जीनियस बनाया है बच्चा, बहुत बढ़िया। बच्चे का नाम जरूर लिखवाए मास्टर जी, बच्चे का नाम जरूर लिखवाए। संदीप शर्मा साहिल जी थोड़ा सा सुधार करवाए, थोड़ा सा सुधार करें, कोई बात नहीं। संदीप जी 96 नहीं है, थोड़ा सा सुधार करें, क्योंकि दो का अंतर था, फिर पांच का, फिर दस का, फिर 17 का, और उसके बाद दो का वर्ग, एक का वर्ग जमा एक, दो का वर्ग जमा एक, तीन का वर्ग जमा एक, चार का वर्ग जमा एक, और आ गए हैं पांच का वर्ग जमा एक। 26 का अंतर होना चाहिए और आएगा उत्तर 103। दीप्तिया करती जीनियस बने हैं, मास्टर मांगा काली आईडी से जीनियस बने हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखा कौन सा जवाब देगा। संस्कृत में नाम है दाड़म प्रिय रक्त तुंड सुगा सुआ कीर, ये किसके पर्यायवाची है। 111 तो नहीं आएगा पंकज बेटा, क्योंकि दो का वर्ग जमा एक, तीन का वर्ग जमा एक, चार का वर्ग जमा एक, इस तरह से चल रहा है। शुरू में था एक का वर्ग जमा एक, तो पांच का वर्ग जमा एक है, पांच का वर्ग 25, पांच का स्क्वेयर और एक और जोड़ दिया, 26 का अंतर, स्थान्तर में 26 जोड़ेंगे 103 हो जाएगा। स्नेहा बिटिया, स्नेहा हमारे साथ जुड़ करके जीनियस भी बन गई, मैंने नाम भी नहीं लिया था, ये लगे। आपका स्वागत है बेटा, आपका रोल नंबर 75 है, जीके प्रश्नोत्तरी में लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। और रमेश धनखड़ जी 103 जीनियस बने हैं बिल्कुल भाई। दाड़म प्रिय रक्त तुंड सुगा सुआ कीर, ये इसके किसके पर्यायवाची है। ये राजेश सोनी की तरफ से उत्तर हमारा आ चुका है, जो जीनियस है कि नहीं है वो बाद में बताया जाएगा। मास्टर राजेश बनभोरी 103 पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया है भाई। दाड़म प्रिय रक्त तुंड सुगा सुआ कीर, ये किसके पर्यायवाची है। कौआ, अनार, सांप, तोता, कबूतर, पांच ऑप्शन आपके सामने भाई, पांच विकल्प आपके सामने हैं। कौआ, अनार, सांप, तोता, कबूतर, देखते हैं वह कौन सा सही जवाब देगा। आकृति दीप्ति ने जवाब दे दिया है, राजेश सोनी ने जवाब दे दिया है, लेकिन सही है कि गलत है वो बाद में निर्णय होगा, क्योंकि अभी हम हिंट नहीं दे सकते। तो हमें इतने अड़बैदी, इतने तेज जीनियस, तेज तरार बालक, सो की उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ लियो सो। अमरपाल अमर अंकुश सही जवाब दिया है भाई बिल्कुल। दीप्तिया करते ने सही जवाब दिया है, राजेश सोनी ने, बहुत बढ़िया भाई, तोता हुआ है इसका अर्थ, बहुत बढ़िया। रमेश धनखड़ जी तोता होता है, आईडी से रमेश, आईडी से बच्चे का नाम जरूर लिखवाए भाई, रमेश आईडी से। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण स्वागत है आपका। दाड़म प्रिय रक्त तुंड सुगा सुआ और कीर, ये किसके पर्यायवाची हैं। ईब थोड़ा सा जी हाल लग गया भाई कि मैं आवाज से ठीक आंदी होगी तो ध्यान लाइव प्रसारण चलावांगे, और नहीं तो भाई देखी जाओगी भी अपने। मास्टर मांगा कालिया जी सही जवाब है, जीनियस बने हैं बिल्कुल। रमेश धनखड़ जी सही जवाब है, और राकेश कुमार आईडी से पैरेट लिख दिया, बहुत अच्छा बिल्कुल, शाबाश। पर्यायवाची है भाई ये तोता के, बहुत अच्छा, शाबाश। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखे हैं कौन सा जवाब देगा सही। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा गया है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हुआ है उसने किए कहा गया है भाई। त्रिज्या कवा है, परिधि कवा है, व्यास कवा है, वृत्त खंड कवा है, या केंद्र कवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, त्रिज्या या परिधि या फिर व्यास या फिर केंद्र, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। पलक है, अरे वाह पलक बिटिया, स्वागत है आपका। पलका पे बिठाना जोगे बालक है, चुन्नू मुन्नू, लाडू, रसगुल्ले, हाँ ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद रामफल जी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखते हैं कौन सा है। गणित से लिया गया है ये प्रश्न, रेखा गणित से। हाँ सुक सही जवाब दिया है, सुक, वैसे सुक इसमें आ चुका था, सुआ कीर रक्त तुंड सुगा दाड़म प्रिय, सुक सही जवाब है बिल्कुल, तोता होता है। शर्मा जी सही जवाब दिया आईडी से, बहुत बढ़िया। और बलजीत आईडी से जीनियस बने हैं इस प्रश्न के, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। मास्टर मांगा कालिया जी आईडी से सही जवाब दिया है बिल्कुल, बलजीत आईडी से, पंकज छात्र ने सही जवाब दे दिया है। मदन मलिक जी लाइव प्रश्न स्वागत है आपका। अमरपाल अमर जी केंद्र तो नहीं कहते अंकुश बेटा। सुशील खटकर जी हमारे साथ जुड़ चुके, साहिल खटकर जी लाइव प्रसारण स्वागत है, बड़का ने पास में बैठा लो भाई, सारे चुनू मनुआ के चूल्हा नहीं होता भाई, सारे टाबर की बैठ जाओ, आधा घंटा एक घंटा की मैंने बेद मोड़ना अपना है। राकेश कुमार आईडी से सही जवाब दिया है, राजेश चौने आईडी से सही जवाब आ चुका है, रामफल राम भिवानी से आकृति दीप्ति ने सही जवाब दिया, रमेश धनखड़, अरे वाह सारे जीनियस बैठे आ रहे तो भाई। आर एस आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजेंद्र दैया जी हमारे को लाइव प्रसारण देख रहे हैं, चुनू मनुआ ने पास में बैठे हो भाई, झज्जर से हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं,
जिसके साथ एक थाली में खाने का मौका मिला मेरे डब्बी अरबड़ कने पास में बैठे हो भाई विजेंद्र दिया जी जी के प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन सा देगा। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केकवावस है। मास्टर राजेश बनवोरी जी बहुत अच्छा उत्तर दिया, जीनियस बने हैं बिल्कुल आप, बहुत अच्छे। व्यास कहलाती है, सही जवाब है बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे। तो सारे जीनियस बने हैं बालक। एक केंद्र कह रहा था थोड़ा सा सुधार कर ले, कोई बात नहीं। जीके प्रश्नोत्तरी में अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वह देखा है कौन सा सही जवाब देगा। भोपाल की स्थापना किसने करी थी? जो मध्य प्रदेश में भोपाल है और एक साथी भोपाल से मध्य प्रदेश से जुड़े हुए भी हैं। हाँ सही आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया भाई पंकज, धन्यवाद। सचिन होशियार सिंह के ने जवाब दिया है, कापड़ों से आर एस आर आईडी से राम मेहर सिंह आ रही है जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे परम शिष्य, स्वागत है भाई आपका। और सचिन होशियार सिंह के बच्चे ने जवाब दिया है व्यास, सही उत्तर है बिल्कुल। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में जीनियस बने हैं कापड़ों से मेरे पड़ोसी है, स्वागत है आपका। राजीव शर्मा जी हमारे को लाइव देख रहे हैं प्रसारण में, स्वागत है भाई साहब। हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर बड़का ना पास में बैठा लो भाई सारे चुनु मुनो ना की चुल्ला नहीं होता सारा टाबर की पालथी पालथी मार का बैठ जी और मुड़ा हटे दिल टिका कर ठंडा करके कट जा। भोपाल की स्थापना किसने करी थी ये बताना है भाई सबने। भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी, वो किसने बसाया था वो शहर? अगर पौराणिक साहित्य आपको पता है, बड़े बूढ़े दौरे बैठो हो, सांग रागनी सुनो हो तो बताए दोगे भाई, नहीं कलम पेंसिल उठाई है चीज को न्याय कर दी। देखेंगे भाई कौन सा सही जवाब देगा। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ो पर यूट्यूब चैनल भी है भाई राय, पहली तो पांच मिनट का सारा सिलेबस हरियाणवी में सारे बड़का का मतलब न्यू पहली तो पांच मिल का घी सागल जय सुनकर हजारों बालक फायदा उठा रहे हैं भाई, तमें भी फायदा उठा लिया। और भरोटा बोल दो आप पे लग रहा होगा सुंडी में तो बोलता पाऊंगा। ले संदीप शर्मा साहिल पिछले प्रश्न का सही जवाब दिया है बिल्कुल आपने, बहुत बढ़िया। राजेश सोनी जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। राजेश सोनी यानी कि ईशा ने सही जवाब दे दिया है हमारे को, बहुत अच्छे बिल्कुल। जीडीएस बच्चे हैं आपके पास जो बैठे हैं, उनको मौका दो भाई ज्यादा से ज्यादा, जितना भी स्वाध्याय ये कर सके इनके लिए किताबों की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अभिभावकों में ये आह्वान करना चाहता हूँ आपसे, अगर बच्चा किताबों के बिना अगर आप तरस गया तो सारी उम्र तरसता ही रहूंगा देख लो। तो किसी भी प्रकार की अगर सुविधा चाहते हैं बच्चे, किताब से संबंधित या कोई मटेरियल चाहिए उनको, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करनी प्यारे बच्चों, कभी हाथ पकड़ कर रखा दे संदूक भर लो अलमारी भर लो किताब मांगी पढ़ो एक अक्षर भी नहीं फिर दिक्कत आ जाएगी। अरे वाह विजेंद्र दैया जी बहुत बढ़िया। शर्मा जी आईडी से सुनील आईडी ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। संदीप सिंह मार से चाला पाट दिया भाई, टुंडे ठा दिया मास्टर का मांगा कालिया जी जमा खकाटा ठा दिया भाई। रामफल राम आईडी से सही जवाब है। भिवानी से रमेश धनकड़ जी बहुत बढ़िया टुंडे ठा रखे हैं बिल्कुल। आर एस आर ये बहुत बढ़िया सही जवाब दिया। एमपी शर्मा जी उचाणा की शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण, स्वागत है जी आपका। जीके प्रश्नोत्तरी में उचाणा रजवाया रोड से हरिकेश कापड़ो आपका स्वागत करूं सो अमरपाल अमर जी, जीके प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है भाई। भोपाल की स्थापना किसने करी थी ये प्रश्न का उत्तर बताना है, पौराणिक साहित्य से जुड़ा हुआ है हमारा, अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं सुना हुआ है तो आप बता सकते हैं। कई सवालों के ये उत्तर सही आ चुके हैं कई आईडी से, इसके जीनियस बने हैं बालक। और देखते हैं कौन कोशिश करता है। अमरपाल अमर आईडी से बहुत बढ़िया अंकुश ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। राजा भोज ने भोपाल नगर बसाया था, परमार राजा भोज, बहुत बढ़िया बिल्कुल। मास्टर राजेश बनभौरी जी सही जवाब दिया आपने, भोपाल की स्थापना जो बसाने की कोशिश करी थी वो सारी राजा भोज की थी। आगे देखते हैं भाई, ऐसे पक्षी का नाम बताओ जो उड़ नहीं सकता। भाई पक्षी तो उड़न खतर मशहूर हुआ है, चिड़िया तोता कबूतर सारे उड़े हैं। बसाऊ राम जी जमनगर ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बसाऊ राम जी मैं हरिकेश कापड़ो आपका स्वागत करूं। चुनु मुनोना पास में बैठा हो भाई, जीके प्रश्नोत्तरी मेरी हरवी भाषा में 11वीं सदी में राजा भोज ने करी थी स्थापना। साहिल संदीप शर्मा साहिल ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। सभी बच्चे नोट करते रहे, एक्स्ट्रा पर्सनल नॉलेज बढ़ती रहती है। रामेर गोयत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामेर भाई स्वागत है आपका। साथ के साथ में खेती बाड़ी का भी काम करते रहो या अपना काम संभालते रहो, चुनू मुनोना पास में बैठा कर थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी का भी ज्ञान लाभ दे भाई। ऐसे पक्षी का नाम बताओ जो उड़ नहीं सकता, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण। रोचक प्रश्न भी है, व्याकरण भी है, इंग्लिश भी है, गणित भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी व्याकरण है, या फिर हाँ विजेंद्र दैया जी आपने पेंगुइन बोलिया है, पेंगुइन पेंगुइन थोड़ा सा चलो हाँ पेंगुइन भी ठीक है, थोड़ा सा उड़ लेता है थोड़ा बहुत तो पेंगुइन पर।
पेंगुइन उड़ लेता है, थोड़ा थोड़ा तो उड़ लेता है विजेंद्र दिया, जो थोड़ा कोशिश करे बच्चा, देखते हैं भाई और कौन सा जीके सही जवाब देगा। रमेश धनकर जी, ऑस्ट्रिच। हाँ ऑस्ट्रिच ठीक है, उत्तर पढ़ते आए हैं भाई। शुतुरमुर्ग हमारा उड़ नहीं सकता, लेकिन जो वास्तव में ये थोड़ा बहुत तो पंखों को फड़फड़ा लेता है, उठ जाता है थोड़ा थोड़ा। हाँ ऑस्ट्रिच ठीक है रमेश जी, पेंगुइन बता रहे हैं शर्मा जी। तो ये एमू और कीवी है भाई, दो पक्षी ऐसे हैं, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन बता रहे हैं भाई। हाँ शुतुरमुर्ग है, एमू है, कीवी है, ये पक्षी उड़ नहीं सकते। सुरेंद्र बुरा जी, हमारे को लाइव प्रसारण स्वागत है भाई साहब, देख रहे हैं जीके प्रश्नोत्तर में। बच्चा ने पास में बैठा लो भाई, अगर पास में चुनु मुनु बैठे हैं, भाई भतीजा बेटा पोता जो भी है उन। राम राम भाई साहब, प्रवीण सातरोड जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सन्नो बेटिया ना दोरा बैठा लो भाई। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण स्वागत है आपका। बलजीत आईडी से सही जवाब दिया है, जीनियस बने हैं आप, बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्रवीण सातरोड, हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये युवा साथी बहुत से, विकास सातरोड है या प्रवीण सातरोड है, बहुत से साथी मतलब हमारे साथ में बैठे हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। पास में बैठा हो भाई छन्नो बिटिया, स्वागत है आपका। और अमरपाल अमर जी, ऑस्ट्रेलिया सही जवाब दिया है। रमेश रामपुराम आईडी से सही जवाब आ चुका है। कृति दीप्ति ने सही जवाब दिया, कीवी एमू, बहुत बढ़िया। हमिंग बर्ड तो सबसे छोटा पक्षी होता है संदीप सिंहमार जी, हमिंग बर्ड उड़ जाता है, पीछे भी उड़ लेता है ये तो, बल्कि ये तो बैक साइड में भी उड़ लेता है, इसका रिकॉर्ड है पीछे उड़ जाता है, और पक्षी सारे आगे उड़ रहे हैं। एंडी है गुरु जी, संदीप ढिलों बता रहे हैं, स्वागत है संदीप ढिलों, जो हमारे नवोदय क्रांति के सिरमौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हजारों साथियों को जोड़ने वाले, पूरे भारत से नवोदय क्रांति को आगे बढ़ाने वाले, सरकारी शिक्षा को राजेश बनभोरे जी, सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, साइंस से अगला प्रश्न विज्ञान से ले रहे हैं हमें, धातुओं का राजा किसे कहते हैं, धातुओं का राजा किसने कहा है, देखेंगे भाई कौन सा एंडी जवाब देगा, धातुओं का राजा किसे कहते हैं। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल भी है भाई, पहली तालिका पांचवी लगा है, सारा सिलेबस बिल्कुल ठेठ हरियाणवी में, सारा आधा आधा घंटे के पाठ याद रखे हैं भाई, ताकि बच्चे अध्यापक से दूर भी हो एक टाइम पे तो किताब आगे दर कर पढ़े जावे, और पक्के पेपरा में या वैसे मासिक मूल्यांकन वगैरह में दिक्कत नहीं आवे। हाँ न्यूजीलैंड वाला कीवी पक्षी है जो भाई उड़ नहीं सकता, सही जवाब दिया है बिल्कुल। बलजीत आईडी से पारा बता रहे हैं भाई, धातुओं का राजा क्या है, ये पारा तो नहीं है। मनवीर सिंह जी लाइव प्रसारण स्वागत देख रहे हैं, स्वागत है भाई साहब आपका जीके प्रश्नोत्तरी में। हरिकेश कपड़ो फेसबुक चैनल पर, पंकज गोल्ड बता रहे हैं भाई, देखते हैं और कौन सा जीनियस बनेगा। संदीप शर्मा, साहिल जी सोना बता रहे हैं, सोना गोल्ड के बात है, दोनों के उत्तर सोना आया है, और देखा भाई सही जीनियस का नाम बाद में बोला जाओगा जीके प्रश्नोत्तरी में। संदीप सिंह मार जी सोना बता रहे हैं, सोना गोल्ड सवर्ण है, संदीप ने तीनों पर्यायवाची बता दिए, बहुत बढ़िया। रमेश धनकड़ जी बहुत अच्छे उत्तर है, अमरपाल अमर जी बहुत बढ़िया भाई, 24 कैरेट के शुद्ध सोना वर्ग साथियों, आपने सोना जवाब दिया है और वो आपका सही, आप जीनियस बने हैं, बहुत बढ़िया, धातुओं का राजा सोना कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई, 1857 की क्रांति का पहला प्रयास किया गया था आजादी प्राप्त करने का, सफलता को नहीं मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बसाऊ राम जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका, करमबीर सिंह जी सही जवाब दिया है, और अमरपाल अमर कुछ ने एंडी जवाब दे दिया भाई, गोल्ड है। मनवीर सिंह जी जी ओ लिख दिया, जी ओ एल डी, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, गोल्ड समझ गया मैं। करमबीर सिंह जी लाइव प्रश्न स्वागत है आपका, मनवीर सिंह जी जीके प्रश्नोत्तरी हार्दिक अभिनंदन है। प्रवीण सातरोड भाई मरा है, बढ़िया है, ग्रुपा में शेयर करियो भाई, गोल्ड सही उत्तर दिया छन्नो बिटिया ने। राजेश सोनी जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर है, जीनियस बने हैं प्रवीण सातरोड जी, और रामपाल राम आई डी जी बहुत बढ़िया, सोना धातुओं का राजा होता है, बहुत अच्छे उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 1857 की क्रांति में जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, देखते हैं कौन सा जवाब देगा भाई। देवेंद्र सियाग जी लाइव प्रसारण स्वागत है आपका, देवेंद्र जी हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर, क्लास में तो जान नहीं पाते भाई के करा, कोरोना जैसी समस्या आ रही है, मेरी क्लास के बच्चे भी लाइव प्रसारण देख रहे हैं, और साथ के साथ में और भी हजारों बच्चों को फायदा मिला है, इस समय का सदुपयोग भी हो गया है। पिछले प्रश्न का उत्तर कीवी है, बहुत बढ़िया संदीप सिमार जी, बहुत बढ़िया, कीवी और एमओ, और साथ के साथ में शुतुरमुर्ग भी कह सकते हैं। बलजीत आईडी से
सही जवाब आ चुका है विजेंद्र दहिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जोहन कनिंग, बहुत बढ़िया जोन कलिंग, अमरपाल आईडी से शेयर कर दिया, बहुत बहुत बधाई भाई, लंबी उम्र हो बेटा आपकी। करमबीर सिंह जी जोन कनिंग, बहुत बढ़िया। संदीप सिंह मार जी कनिंग, बहुत अच्छा उत्तर दिया भाई, नमस्ते भाई साहब, राम राम। संदीप आर्य जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, जमा की सा गल रहा है लाइव प्रसारण में, जी के प्रश्नोत्तरी में, मन भी उड़का सा हो रहा है, हर भड़का ने भी चाट सा हो रहा है, एक डोड़ घंटा अपने बड़ा साल हुआ वंशा मेरा भी हो जाए, बड़का ने भी सीखने मिला है कि मैं तो वंशिका तेजस्वी दिव्या तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिरसा से हैं शायद, सिरसा से वंशिका, वंशिका तेजस्वी ये तो तिगड़ी आवा जब भी आवा है, तेजस्वी और दिव्या तीनों की तिगड़ी आवा जब भी जवाब देना आवा है, ऐसा लाते नहीं। रंजीत कुमार उपाध्याय लाइव प्रसारण स्वागत है जी, उपाध्याय जी आपका शायद यूपी से है क्या, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं दर्शक, और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ गए हमारे साथ साथी रंजीत सिंह जी, थोड़ा परिचय जरूर दें, बच्चों का नाम जरूर लिखवाए। लॉर्ड कनिंग, बहुत बढ़िया, राजेश सोनी जी सही जवाब दिया आपने। हाँ करमबीर सिंह जी, यस, तो यस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यस स्वागत है बेटा आपका, आपका रोल नंबर 84 है जीके प्रश्नोत्तरी में। और राजेश सोलठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लॉर्ड डलहौजी तो नहीं था भाई, लॉर्ड डलहौजी तो नहीं था, डलहौजी 1853-54 लग था, उसके बाद लॉर्ड कनिंग आ गया था 1856 में, तो डलहौजी नहीं था, थोड़ा सा सुधार करवाए बच्चे से, कोई बात नहीं। बाकी आपको पता है कि भाई ये भी गवर्नर जनरल रहे हैं, ये लुटेरे रहे हैं हमारे भारत के सोने की चिड़िया को, मिट्टी की चिड़िया बनाने वाले रहे हैं ये, या आपको पता है, ये बहुत बड़ी बात है। राजकमल भट्ट जी, लॉर्ड कनिंग, हाँ सृष्टि भट्ट ने उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया सृष्टि बेटिया, स्वागत है आपका, सृष्टि हार्दिक अभिनंदन है। संदीप शर्मा साहिल जी, द विस्काउंट का नहीं, बहुत बढ़िया, पूरा नाम बता दिया भाई, सभी बच्चे नोट करें इसको। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 360 बावड़ियों का शहर कौन सा कुआवस है, देखते हैं भाई कौन सा एंडी जवाब देगा। 360 बावड़ियों का शहर हरियाणा में कौन सा कुआवस है, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण कई बार भाई कलर का टेस्ट में और यहाँ आए थे, पच्चे सवाल और एक एक दो दो नंबर आता, जो रैली है उनने पूछ कर देखो मतलब कितनी कीमत हो इन सवालों की, एक एक दो दो नंबर तो रैली, अपना भी भतीजा एक दो नंबर से रैली है, उसने नहीं पता था, वो दोनों प्रश्न शामिल करे गए हैं इसमें, एक प्रश्न है उसमें जैसे स्टील सिटी किसे कहते हैं, वो भी प्रश्न आएगा आपके सामने अभी। तो 360 बावड़ियों का शहर हरियाणा में कौन सा कुआवस है, देखा मैं भाई जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण, हरिकेश कापड़ों पर कौन सा सही जीनियस बनेगा। आवाज ठीक आ रही हो गई या सुनो कर दो कि मैं ना को लाइक कर रहा है ना, और चुप बैठे गूंगा गुड़ खा रहे हैं सारे, महेंद्रगढ़ को तो कोई कहते, बलजीत आई डी से भाई साहब, महम रोहतक को भी नहीं कहते, 360 बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, फंस गए भाई, कड़ा है सुई के जीनियस बनते हैं, लग रहे थे कड़ लग गई, अपना लग गया है, देखांगे कौन सा और जीनियस बनेगा भाई, मैम रोहतक है महेंद्रगढ़, तो और देखांगे कौन सा सही जवाब देगा, अभी देखांगे यह जीनियस है और जीनियस है कोई। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण रिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर महम को कहते हैं, बता रहे हैं संदीप शर्मा साहिल और संदीप सिंह मारे, शायद ही सहार तुक्का ना मारा भाई, तुक्का मारे कुछ नहीं होने वाला, अंधेरे में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं, धूल मलट मारेगा, सही जवाब है तो दे दो जवाब, नहीं तो मतलब है न्यू तुक्का तो कोई नहीं, सही सूत आवा है। बलजीत आईडी से नारनोल बता रहे हैं भाई, ना भाई न्यू तो अंधेरा में तीर चलाया उड़ा, हाँ स्टील सिटी सारा वो आगा होगा भाई, बिना वो प्रश्न फैलाओ बीच में, आगा देखांगे उसने भी। राजेश सोलठ जी भिवानी बता रहे हैं, विजेंद्र दैया जी पिंजोर, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जीनियस बने हैं विजेंद्र दैया, झज्जर से हमारे साथी, पिंजोर है भाई 360 बावड़ियों का शहर, बहुत बढ़िया, हरियाणा जी के बेरा होना चाहिए भाई, 25% किसी भी टेस्ट में आकर खड़ी हो, जैसे ही आप पंकज छात्र ने सही जवाब दिया, जीनियस बने हैं, बहुत अच्छे भाई, शाबाश, जानी चोर की बावड़ी है भाई उड़ा, जो ज्ञानी चोर था अपना, जय बोला है संस्कृत में तो इसने अपने जय बोला हाँ, तो ज्ञानी जय होता सही, तो ये जानी जय जय बोलते हैं वैसे, जानी चोर, तो जानी चोर की बावड़ी थी पक्का, ऐसा आ रहा है संदीप सिंह मार बता रहा है, लेकिन वो आगे प्रश्न होगा भाई, बे लीक ना करो, तोड़ डांट ले मनीषी भाई साहब। संजीव कुमार महम बता रहे हैं भाई, महम तो कोई नहीं, अमरपाल अमर पिंजोर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, करती दीप्ति ने सही जवाब दिया है, पिंजोर है भाई 360 बावड़ियों का शहर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सीवन राजौंद और ढांड गुला चिक्का ये खंड किस जिले में पड़ते हैं,
सीवन, धांड, राजौंद और गुलाचिका ये किस जिले में पड़ते हैं? किस जिले की तहसील या उपतहसील है, ये खंड है। देखते हैं मैं कौन सा सही जवाब देगा। जीके प्रोत्री लाइव प्रसारण थोड़ा सा अच्छे दर्शक जुड़े भाई, तो हमने जो शेयर कराया उसके कारण मड़ा जी हाल आ गया, तो मड़ा सा देखेंगे कौन सा सही जवाब देगा। अभी गुलाचिका, सीवन है, ढांड है, राजौंद है, ये किस जिले के शहर हैं, कस्बे हैं। बलजीत आईडी से जवाब आ चुका है हमारे पास। पंकज से ढूंढे ठा दिए, राजेश सोनी ने खगाटा ठा दिया भाई। देखेंगे और कौन सा सही जीनियस बनेगा। सीवन, राजौंद, ढांड है, विजेंद्र दहिया, खगाटा ठा दिया, बिल्कुल मास्टर मांगा खा लिया, सुरुट दिया काम बसले जमा। रामपद राम आई डी दिखतिया करती से बहुत अच्छे जीनियस बने हैं भाई। गुल्ला चिक्का, ढांड, राजौंद और सीवन कहाँ पढ़ते हैं, किस जिले में पढ़ते हैं? कैथलो रहू हूँ तो कैथलो में पढ़ा है भैया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तराखंड न छुअस है? हाँ, अपना कैथल है। अच्छा, संदीप कैथल का है, कैथलो रवा कैथलो, तो वही कैथल में पढ़ते हैं भैया। हाँ, अच्छा जवाब दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तराखंड को छूता है? नरेश पुनिया कैथल, पिछले प्रश्न का सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब। नितेश ने सही जवाब दे दिया, बिल्कुल नितेश बेटा, आपका नाम नहीं लिखा था मैंने अभी लगे। नितेश स्वागत है आपका जीके प्रश्नोत्तरी में। भिवानी में कैथल से हिसार तो कौन सा उत्तर आ गया रही रहा है, हिसार तो कौन सा भी नहीं। राजेश सोनी जी, अगले प्रश्न का उत्तर आ चुका है हमारे पास भाई। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तराखंड को छूता है? हरियाणा का नक्शा जिसने देखा होगा भाई, जीके प्रश्नोत्तरी अच्छी पटान खातर है, नक्शे जरूर देखा करो। सुखविंदर सोरन जी हमारे साथ लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई साहब आपका जीके प्रश्नोत्तरी में। हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल और सही उत्तर दिया है, जीनियस बने आते ही पहली बार जुड़े हैं और पहले ही जवाब में आपने छक्का मारा, बिल्कुल सुखविंदर सोरन साहब कैथल सही उत्तर है पिछले प्रश्न का। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सही उत्तर है बिल्कुल। बलजीत आईडी से सही उत्तर आ भी आ चुका आपका। मैं मास्टर मंगा कालिया जी, पंचकुला तो नहीं है, पंचकुला नहीं छू रहा। अमरपाल जी सही उत्तर है। संदीप शर्मा साहिल जी कैथल जिले में है, पिछले सही जवाब है पिछले प्रश्न का भाई आपका। जो कैथल जिला है उसका तो था सीवन, राजौंद, ढांड और गुलाचिका खड़स है, ये कैथल जिले में। और उत्तराखंड को कौन सा जिला छुअस है, ये हमारे कौन सा जिला छुआ है अभी लग मैंने घोषित नहीं किया है नाम है। और आपके जवाब आ रहे हैं, लगभग सही जवाब है। संदीप सिंह मार जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया बिल्कुल आपने। और देखा मैं कौन सा जीनियस बनेगा। देवेंद्र सांगवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बच्चों के नाम जरूर बताएं भाई। देवेंद्र जी, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण स्वागत है, थोड़ा सा शेयर का जोटा जरूर मार दिया रहा है भाई। और यूट्यूब चैनल भी हरिकेश कापड़ों पर, हिंदी व्याकरण है, हरियाणा जीके है, भारत का रक्षा कुकर बना हुआ, 2-3 लग पहाड़े मन बुला रखे हैं अपने आवाज में, 2 या 3 बारी सुन लिया नहीं बालक ने तो बस सारे के सारे पक्के याद हो जाएंगे। देवेंद्र सांगवान जी यमुनानगर सही उत्तर, जीनियस बने आप, जीनियस बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। और जीत गए अमरपाल, जीत गवा, हाँ जीत गए, बहुत बढ़िया भाई, जीनियस बन गए आप, जीत गए। जितेंद्र कुमार यादव जी, जीके प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ों पर, मैं मास्टर हरिकेश का अपना स्वागत करूं सो आपका हार्दिक अभिनंदन है, पहली बार जुड़े हैं शायद आप है। यादव साहब कहाँ से हैं, एक थोड़ा परिचय दें और बच्चों के नाम जरूर लिखवाएं। आलती पालती मार का बैठ जाओ, सारा टापर के झूला जोन सा भाई। सही जवाब दिया है रजत सोलाठ जी, रजत सोलाठ है ये, राजेश बोल रहा था मैं तो जमका भाई, कोई बात नहीं, रजत सही उत्तर है बिल्कुल आपका। कृष्ण कुमार लाइव प्रसारण स्वागत है आपका जीके प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर। कृष्ण कुमार जी हमारे है तो शायद ये जुड़ गए हमारे साथ जीके प्रश्नोत्तरी में। अगला प्रश्न आपके सामने, आड़ू चल्या आठ, ना ताखड़ी ना बाट, इसका अर्थ बताओ भाई। हरियाणवी कहावत है, आड़ू चल्या आठ, ना ताखड़ी ना बाट, इसके चार ऑप्शन में आपको बता रहा हूं, तराजू का न होना, आड़ू का फल बेचना, या फिर मूर्ख का अव्यवस्थित काम करना, या पास में कुछ न होना। जितेंद्र कुमार यादव जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका, बच्चे का नाम जरूर लिखवाएं। यादव साहब कहाँ से हो ये भी बताएं। चुनु मुनु जो आपके पास बैठे हैं, विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी है, बढ़िया ने उत्तर दे दिया तो देख लो एक कान बड़ा हो जग रहा है उसका, मतलब है बढ़िया ने उत्तर नहीं देना होता कान पैक जगह नहीं तो। छोटे विद्यार्थियों के लिए है ये प्रश्नोत्तरी भाई।
क्योंकि बचपन में नींव मजबूत होगी बालक की, अगर उसने जो समझ में आएगी भाई इन चीजों का महत्व है, तो वो कहीं से भी कोई भी जीके की किताब पढ़ने में मतलब अच्छी रुचि लेगा और भविष्य के लिए अपने नींव मजबूत करेगा। नौकरी पाना ना पाना वो कर्म की बात है उसकी, कहाँ मतलब करेगा वो क्या करेगा, प्राइवेट में सरकारी में है कहाँ करेगा, लेकिन ज्ञान काम जरूर आओगा भाई। अमरपाल जी पास में कुछ न होना ये उत्तर दे रहे हैं। रोबिन जंगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव प्रसारण स्वागत है भाई आपका। रोबिन सी बता रहे हैं सी उत्तर, हाँ पास में कुछ न होना। राजेश सोनी जी दोबारा ऑप्शन सुन लियो भाई, अड़ू चलिया आठ ना तखड़ी ना बाट है, इसके चार ऑप्शन है, तराजू का न होना, या फिर अड़ू का फल बेचना, मूर्ख का अव्यवस्थित काम, या फिर पास में कुछ न होना। देखते हैं भाई और कौन सा जवाब देगा। अड़ू चलिया हाट ना तखड़ी ना बाट है, देखते हैं और कौन सा सही जवाब देता है भाई। पास में कुछ ना होना बी, अगर सी और डी में से कोई भी उत्तर आपका दे रहे हैं आप तो जीनियस है प्यारे बच्चों। मैंने दो विकल्प आपके सामने ये दोनों ठीक रखे हैं, डी पास में कुछ ना होना, या फिर सी भी कह सकते हैं क्योंकि मूर्ख का काम अव्यवस्थित हो रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सही उत्तर है बिल्कुल सी और डी में से अगर आपने सही जवाब दिया है तो दोनों सही माने जा सकते हैं। थोड़ा सा पजल करने वाला प्रश्न इसलिए डाला था ताकि देखते हैं भाई हरियाणवी भाषा का मुहावरा आपको समझ में आता है कि नहीं आता। आड़ू अगर हाट, आड़ू मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वैसे हरियाणवी भाषा में। आड़ू चलिया हाट, हाट में होती है दुकान या बाजार, बाजार में चलिया और ना तखड़ी ना बाट है, मतलब मूर्ख का काम अव्यवस्थित होता है ये भी है, और पास में कुछ न होना ये भी हो सकता है, लेकिन मूर्ख का काम अव्यवस्थित होता है ये तो है ही है, ये तो पक्का है ही है। पास में कुछ ना होना ये भी थोड़ा सा ठीक है आपका वैसे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, व्हाट इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, व्हाट इज द किंग ऑफ फ्लावर्स। संदीप सिंह मार सही उत्तर है बिल्कुल, जीनियस बने आप पिछले प्रश्न के। थोड़ा सा शेयर करने का जो टोर मार दियो भाई रे, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण रिकेश का प्रो फेसबुक चैनल पर। सुखविंदर सोरन जी सी उत्तर सही उत्तर है बिल्कुल आपका, बहुत बढ़िया भाई जीनियस बने, दो बार उत्तर दिए हैं दोनों बार जीनियस बने हैं। बच्चे का नाम जरूर लिखवाएं सुखविंदर सोरन जी, बच्चे का नाम तो जरूर लिखवाए जीके प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर। व्हाट इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, अरे वाह भाई ऐड तो इंग्लिश मैन भी बैठे हैं। जितने सही जवाब दे दिया, अमरपाल अमर लोटस बता रहे हैं भाई, देवेंद्र सानवान भी लोटस बता रहे हैं भाई, जिसने सही जवाब दे दिया भाई इंग्लैंड में घुमा के ले आवांगे भाई, अंग्रेजी से कह के ले आवांगे उन्हें जहाज में, बिल्कुल टिकट पक्की बता रही। पंकज छात्र बहुत बढ़िया भाई, बुकिंग कर ली बसले टिकट की, सोच लो चिंता ना करो बसले सारे चल लांगे बसले जहाज में बैठ के ना, इंग्लैंड की यात्रा फरी भाई उनकी जो सही जवाब देगा भाई। अमर पाल अंकुश आईडी से, अरे वाह चित्रे छाप का दे दिया तंतोरा है, बहुत बढ़िया भाई चित्रकार है, बहुत अच्छे शाबाश नरेश पुनिया, एक एक कलाकार बालक बैठे हैं बैठे तो जीनियस बता है। लोटस तो नहीं है नरेश, फूल होता वो हमारा राष्ट्रीय फूल है, लेकिन मैंने पूछा व्हाट इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का राजा क्या है। मंगल संगवान जी स्वागत है जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर। डॉक्टर राजेंद्र बलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जीके प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है जी आपका। चुनू मुनुआ ने पास में बैठा लो जी सारे डॉक्टर साहब, और आलती पलती मार का बैठ जो हरियाणवी भाषा में बड़का का भाव समझ में आ गया है। व्हाट इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का राजा कौन को आवश है। पंकज छात्र सही जवाब देगा बिल्कुल, संदीप सिंह मार ने अंडे जवाब दे दिया भाई, खकाटे ठहर के हैं बिल्कुल। संदीप शर्मा साहिल ने जमा सुट दिया काम बसले। सुरेंद्र स्वामी जी सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हार्दिक अभिनंदन है भाई साहब आपका जीके प्रश्नोत्तरी में, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हार्दिक अभिनंदन, आभार साधुवाद मित्र जो जुड़े, एक शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र स्वामी जी, बच्चे ने पास में बैठे हो भाई जीके प्रश्नोत्तरी चल रही लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ो पर। नरेश पुनिया जी लोटस तो नहीं है, लोटस तो कमल का फूल होता है राष्ट्रीय फूल है, लेकिन फूलों का राजा क्या कहलाता है। मंगल संगवान जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया जीनियस बने हैं। रजत सोलठ जी सूरजमुखी तो नहीं है, सूरजमुखी तो नहीं है, बच्चे में सुधार करवाएं कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ईमानदारी की मैं दाद देना चाहता हूं, जो बच्चा आपको जवाब देता है वही आप लिखते हैं, ये आपको ईमानदारी को मैं नमन करता हूं, बहुत बढ़िया। मदन लाल जी लाइव प्रसारण स्वागत है आपका जी के प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर। अगला प्रश्न ये रोज आएगा भाई, गुलाब का फूल है फूलों का राजा, व्हाट इज द किंग ऑफ द फ्लावर्स, तो रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं हरियाणवी संस्कृति से जुड़ा हुआ कौन सा है। सांगी रागनी गाणी है, गायक कान खड़े कर लो भाई। मास्टर सतबीर और मास्टर पालेराम रागनी गायक किस जिले के हैं,
मास्टर सतबीर और मास्टर पाले राम, ये रागनी गायक है, किस जिले के हैं? बहुत मशहूर गायक है भाई, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों विभूतियों का हम नमन करते हैं। और मास्टर सतबीर और मास्टर पाले किस जिले के रहने वाले हैं ये बताना आपने, देखेंगे भाई कौन सा सही जवाब देगा। अमर जी सही जवाब दिया है हम कुछ ने पिछले प्रश्न का, विजेंद्र दैया खकाटा उठा दिया भाई, रागनी गायक तो बतावाएंगे भाई, तेरी तो रागनी ने मतलब बहुत प्रेम पास सही करे उड़ा है मेरी बात में, बिल्कुल भाई सही जवाब दिया विजेंद्र दैया ने रामफल राम आईडी से, बहुत अच्छा जवाब पिछले प्रश्न का, गुलाब फूलों का राजा हुआ है, रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, अमर बराबर बहुत सही जवाब दे रहे हैं भाई, जीनियस बने हैं जितेंद्र कुमार, जी से जीनियस, जी से जितेंद्र, बहुत बढ़िया बिल्कुल भाई, रामफल राम आईडी से सही जवाब दिया है इस प्रश्न का भी, दीप्ति आकृति ने जीनियस बने हैं, बहुत अच्छे शाबाश, सारे के सारे जीनियस है भाई, सोनीपत जिले के हैं, बहुत अच्छा जवाब आया है हमारे पास मास्टर सतबीर और मास्टर पाले, जो ये रागनी गायक है भाई, बालको पल्ले पढ़ो चे ना पढ़ो, सांग है रागनी है सुनिया करो, हरियाणवी संस्कृति का, इतिहास का, हमारी पौराणिक धरोहर का, हरियाणवी शब्द भंडार का ज्ञान बढ़े बढ़ेगा, पक्की बात है, सुनिया करो, मतलब हमारे जो रीति रिवाज जो हमारे गायकों ने जहां पहुंचे, मतलब रवि वहां पहुंचे, कवि कहा कर रहे हैं, तो कवियों ने बहुत कुछ गा रखा है, सुनिया करो रागनी, मतलब मेरे ऊपर रेडियो का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जो विचार बढ़े हैं। वजीर रेडो जी लाइव प्रसारण स्वागत है आपका जीके प्रश्नोत्तरी में, रजत सुलाट जी बहुत बढ़िया पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया है, सुखविंदर सोरन जींद बता रहे हैं भाई, जींद तो नहीं है ये, मास्टर सतबीर और मास्टर पाले जींद के नहीं है, कल कब लाइव आओगे, कल तो लाइव शायद ना आवे भाई, वो बाकी सूचना दे दी जाओगी अगर मतलब सूचना बैठ गया तो, मास्टर सतबीर भैंसवाल सोनीपत में है, से है, नितेश ने जवाब दिया सही बिल्कुल बहुत बढ़िया, भैंसवाल से है, मेरे साथी थे धर्मेंद्र जी, आप तो जानते हो सुनील भाई एक कमरे में रहे उड़े यहाँ, तो भैंसवाल के हैं ये, बहुत बढ़िया, रजत सुलाट जी सोनीपत के, बहुत अच्छे भाई शाबाश, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा, हरियाणा का इस्पात नगर या स्टील सिटी किसे कहते हैं, सुर सुर तो पहला ही होली थी, फिर पूछे ले वाले, चलो देखेंगे यादगिरी है कि नहीं है भाई, बादाम खाओ कि नहीं खाओ हो, हरियाणा का इस्पात नगरी या स्टील सिटी किसे कहते हैं, संदीप शर्मा साहिल भिवानी कैसे आ गया भाई, किसका उत्तर दे रहे हो भिवानी आप, पिछले गायक तो थे ये सोनीपत जिले के, अब इस्पात नगरी या हरियाणा का स्टील सिटी किसे कहते हैं, पिछली बार भी सही उत्तर दिया था बलजीत आईडी से, बहुत अच्छे भाई शाबाश, देवेंद्र सांगवान भिवानी से है शायद, सांगवान साहब थोड़ा सा परिचय जरूर दे सांगवान साहब आप, देवेंद्र सांगवान जी जी के प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका, बच्चे ने चुनू उन्होंने पास में बैठाओ, नाम भी बताओ, जितेंद्र जी बहुत अच्छा, भिवानी बता रहे हैं भाई ना सुधार करें भाई, रामफल राम आईडी सी आकृति दीप्ति ने सही जवाब दिया है, नरेश पुनिया जी बहुत अच्छा जीनियस बने हैं, जितेंद्र कुमार यादव जी बहुत अच्छे भाई शाबाश, विजेंद्र दैया जी रेवाड़ी कहां से आ गया भाई, स्टील सिटी या इस्पात नगरी किसे कहते हैं, स्टील सिटी या इस्पात नगरी किसे कहते हैं, अमरपाल अमर हिसार बता रहे हैं, संदीप शर्मा साहिल हिसार बता रहे हैं, विजेंद्र दैया ढूंढे ठा दिए बिल्कुल इशार के भाई, श्री कृष्ण सारण जी संस्कृति से ही संस्कार आते हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल भाई सही जवाब दिया आपने, पिछले प्रश्न को चर्चा कर रहे थे आप भाई, रागनी सांग जो भी है हमारे हमारे बहुत बड़े महान गायक हुए हैं, कवि हुए हैं, उनके जो गाई हुई बातें हमें सीखनी चाहिए, श्री कृष्ण जी सही, शर्मा जी सही बताया आपने, सुभाष टंडन लाइव प्रसारण जी के प्रश्नोत्तरी, हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर स्वागत है भाई आपका, संदीप सिंगमार जी सही जवाब दिया है, शर्मा जी नितेश ने सही जवाब दिया है, सुनील कुमार ने बहुत अंडी जवाब दिया, खकाटे उठा दिए, प्रदीप सिंह ने जय हिंद बोल रहे हैं, जय हिंद भाई प्रदीप कुमार जी लाइव प्रसारण स्वागत है आपका, सत्यवान जी हार्दिक अभिनंदन है, नरेंद्र शर्मा जी जी के प्रश्नोत्तरी सही जवाब दिया है, हिसार नरेंद्र शर्मा गुवांडी भाई बहुत अच्छे, सुनील कुमार जी लाइव प्रसारण स्वागत है, हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर, और सटील सिटी या इस्पात नगरी किसने कमस है, इसका जवाब हमारे पास आ चुका है, सारे जीनियस बने हिसार जवाब जीनियस बहुत बढ़िया भाई, बालको 20 रुपया का तो हरियाणा का नक्शा हुआ है, एक तो वो मंगा लियो, एक भारत का नक्शा, एक संसार का, तीनों नक्शा पकड़ हो जाएगी तो जीके अपने आप भज दी जाओगी, तरह आगे चिंता ना करियो, थोड़ा सा अखबार का टच में रहा करो या फिर समाचार सुनिया करो रेडियो वगैरह से, रोज टेलीविजन से, अरे थोड़ा थोड़ा
अगर आप करंट से जुड़े रहोगे तो अपने आप बहुत मतलब जीके पड़ेगी अपनी और भविष्य के लिए नई मजबूत होगी। सर आपकी वाणी में मधुरता है। धन्यवाद जितेंद्र कुमार यादव भाई साहब, आपने परिचय नहीं दिया यादव साहब, भिवानी से हो, महेंद्रगढ़ से हो, रेवाड़ी से हो, कहाँ से हो यादव? कई जगहों से है अपने, दक्षिण हरियाणा यादवों का ही भरमार है बिल्कुल। प्रदीप सिंह हिसार सही जवाब दे रहे हैं। रजत सोलाठ जी बहुत बढ़िया सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, बाई मैंने खरीदना हुआ है, सबने भी रहा बी यू वाई बाई, बाई मैंने खरीदना, दूसरी तीसरी वर्ब की फॉर्म बता दो भाई इसकी। बाई मैंने खरीदना और दूसरी और तीसरी वर्ब की फॉर्म बतानी है, दूसरी और तीसरी वर्ब की फॉर्म बतानी है। बाई मैंने खरीदना, बाई की दूसरी और तीसरी फॉर्म। प्रदीप जैन स्वागत है भाई साहब, कापड़ों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जैन लुधियाना में रहते हैं आजकल, मेरे बचपन के जानकार हैं, पहचानते हैं हम, और हरियाणवी बोली में हमें जो गर्व वो अंग्रेजी अंग्रेजों को भी नहीं आती। हाँ सही बात है बिल्कुल भाई, अपन अंग्रेजी मालिया टूटी फूटी आ हुए उन्हें हरियाणवी जमा नहीं आती। हरियाणवी बोली पर अपने गर्व होना चाहिए, अपनी बोली पर, अपनी माँ बोली है, मातृभाषा है। ऐसे व्यक्तित्व के हमारे समाज में बहुत अधिक जरूरत है श्रीमान जी। और कहां से उठ के कहां बढ़े हैं सुभाष भाई, ये भी तो देखो आप है। नमन तो आपके प्रयासों को है जो आप संघर्षशील युवा साथी हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं हैं छोटे भाई आपको, आगे बढ़ते रहो। और आपने सराहना करी, धन्यवाद इसके लिए। यूट्यूब चैनल है भाई, बहुत दिहाड़े भर रखे हैं आज लगे। कपिल देव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपिल देव जी स्वागत है। चुनू मनोने पास में बैठा लो। नरेश पुनिया जी दूसरी फॉरम आपने बताई बोट, तीसरी भी आई बनेगी बोट, बहुत अच्छा भाई। तीनों जीनियस अंग्रेज जी मैन बैठे आने तो भाई, एक भाई रोबिन जांगड़ा, अमरपाल, आकृति दीप्ति, सुनील कुमार, खखाटा ठा दिया सारे ना भाई, भाई बोट बोट, बहुत अच्छा उत्तर दिया है बिल्कुल भाई। वर्ग भी 1000 वर्ग भी फॉरम डाल रखी है भाई यूट्यूब चैनल पर, किस कपड़ों पर अगर तुमने सीखनी है तो बुलाए रखी है। कान का लाए रहो लीड और सुनते रहो, रोटी खाते होने, रेस करते होने, खेत में काम करते होने, कसी बजाते होने, या फिर खेलते होने, कूदते होने, कुइयां सुनते रहो, चाहे एम्पलीफायर में लाकर छोड़ दो। 1000 वर्ग भी फॉरम है, मैं आपे बोले जाऊंगा, आपे सुने जाओ, ज्ञान बटे जाऊंगा। रजत सोलाठ जी बाई बोट बोट, बहुत अच्छा जवाब दिया है, डोंट वरी चिंता न करो कह रहे हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं, अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने कराया था, अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने कराया था? हाँ संदीप शर्मा साहिल पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया है बिल्कुल, डीडी नेशनल और रेडियो न्यूज है सबसे बढ़िया डीडी नेशनल। हाँ बहुत बढ़िया श्री कृष्ण शर्मा भाई, डीडी नेशनल पर जो भरोसा कर सका हाँ पे वो सही है, और रेडियो न्यूज भी सही है बिल्कुल। तो ये खबरें सुनिया करो भाई बालको, ज्यादा ज्यादा जीके बढ़ेगी, अपडेट रहोगे, अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। और सर आप एक क्लास करंट की लगाया करो, वो भी भविष्य में चल जा करांगे भाई, करंट की भी। यूट्यूब चैनल है भाई हरिकेश कापड़ों पर, संदीप सीमर आपकी स्पेशल जिम्मेवारी लगाऊ हूं मैं, आपकी रुचि दिखा है मना है। और भाई ज्ञान है पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए, जो सुपात्र है उसी को ज्ञान देना चाहिए। तो मैंने YouTube चैनल बना रखा है, उस पर जीके भी है, भारत की भी, हरियाणा की भी, संसार की भी, हरियाणा का भारत नक्शा कैसे बनावा, जिलों के राज्यों के नाम ठेठ हरियाणवी में पढ़ा रखे हैं। वीरेंद्र गोयल स्वागत है भाई साहब आपका। और आपके सामने प्रश्न आ चुका है, अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने कराया था, और तीनों प्रश्न के जवाब सही है। विजेंद्र दैया बलजीत राजेश सोनी खकाटा ठा दिया भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे, मानव सेवा के लिए धरती के ऊपर उतरे हुए अब्राहम लिंकन ने, बहुत अच्छा राजेश सोनी जी सही जवाब दिया है। संदीप शर्मा साहिल जी ढूंढे ठा दिया अब्राहम लिंकन के, बहुत अच्छे भाई शाबाश, जीनियस बने हैं। नरेश पुनिया जी, सुभाष टंडन जी, दास प्रथा बहुत बुरी कुप्रथा थी प्यारे बच्चों उस टाइम पर अमेरिका के अंदर, और दास प्रथा के कारण मनुष्यों का मनुष्यों से भेदभाव होता था। एक बहुत बड़ी एक हमारे लांछन था हमारी मानव सभ्यता के ऊपर, और उसका अंत किया था श्री अब्राहम लिंकन जी ने, अब्राहम लिंकन जी। बहुत बढ़िया आकृति दीप्ति ने सही जवाब दिया है, वीरेंद्र गोयत ने, सुभाष टंडन ने, बहुत अच्छे जवाब दिए हैं बिल्कुल भाई, सही जवाब आपका आ चुका है हमारे पास। और अपने उसी का रूप मिलता जुलता जो संप्रदायों से, या फिर अपने एक जातिगत कटु भावना है वो भी मिलती जुलती है, नस्ल भेदभाव है, जो ये सारी समस्याएं खत्म होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। हमारी एक ही जाति है, मनुष्य जाति है, जैसे एक गाय जाती है, भैंस जाती है, कुत्ता जाती है, शत्रुमुर्ग जाती है, तोता जाती है, कबूतर जाती है, ऐसे हमारी भी एक जाति मनुष्य जाति है। कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वो भेदभाव समाप्त किया था अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में।
सर आज मेरा हैप्पी बर्थडे। अरे वाह अंकुश बेटा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 100 साल जीवे, स्वस्थ रहे, सुख समृद्धि शांति स्वास्थ्य बने रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। पढ़ाई अच्छी चले, अच्छे गुण संस्कार शिक्षा प्राप्त करो। आप घर का बच्चों का या आपकी आने वाली पीढ़ी का या फिर पूर्वजों का या फिर आपके समाज का, गांव का, शहर का, जिले का, राज्य का, देश का नाम रोशन करो आप। संदीप सिंह जी, इब्राहिम लिंकम, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने भाई। बहुत अच्छे सारे जीनियस बने हैं भाई। गुड मॉर्निंग सर, बोल रहे हैं अनिल बराड़ जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भाई। सुत्याने तो कई बार जग गया ना, होगी मान लिया, लेकिन ये भी गुड मॉर्निंग है। चलो कोई बात नहीं, जब भी मिला है। तो दीपक शर्मा जी हमारे साथ स्वागत है जी की प्रश्नोत्तरी में। इब्बे जुड़े हैं सुते थे के बाद भाई, ये तो पुंजड़ी पुंजड़ी रहेगी प्रश्नोत्तरी की। बरसीम कुकर वो ही जावा है, ये प्रश्न का उत्तर देना है भाई आपने। बरसीम कुकर वो ही जावा है जड्या का हरिया चारा हो, ऐसे जो अपना बरसीम वो कैसे बोई जावे है? हल द्वारा, कलन विधि से, या ट्रैक्टर द्वारा, या छांट द्वारा? देखा भाई कौन सा जवाब देगा। खेतों में कदे गए होगे बीज, मतलब बरसीम बोलते होने, तो ये जवाब सही देगा। सुभाष सिरसा से हमारे साथ सही जुड़ चुके हैं। कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी लिखना जानता हो, सभी अपने जेब में कलम रखने की आदत डालें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, सही कहा आपने बिल्कुल संदीप भाई। अपने जेब में कलम तो जरूर होनी है, होनी चाहिए। जेब में कलम होगी तो कहीं ना कहीं कोई चीज लिखनी पड़ जाए, नोट करनी पड़ जाए, या किसी को लिख के फोन पर और बताना पड़ जाए कोई भी चीज, तो मतलब अच्छी आदत है। जैसे हैप्पी बर्थडे बता रहे हैं बच्चे को, बहुत बढ़िया भाई। ईब हैप्पी बर्थडे का लारा ला दिया तो फिर ये कमेंट रह लेंगे। तो देखते हैं भाई, सही जवाब देवेंद्र सांगवान जी। परविंदर सिंह डाहोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण, स्वागत है भाई जी आपका। विजेंद्र दहिया जी, क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन रिपीट करूं भाई, बरसीन हो है जो, बरसीन चरा कर रहा डांगर पशु ना बेच अड्डे में है, तो वो जो बताना है क्यूकर बोई जावा है, हल के द्वारा, कलन विधि से, ट्रैक्टर द्वारा, छांट द्वारा? हाँ अमरपाल भाई, आईडी से बच्चे का जो जन्मदिन था जिसका भी था, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो सभी को। सारे जितने भी आज का दिन जन्मे हुए हैं, अर्चका देवी जन्मे हुए हैं, सबको शुभकामना भाई। सारे 365 दिन आगे। नरेश पुनिया जी और परविंदर सिंह डाहौला जी, क्वेश्चन रिपीट कर दिया भाई मैंने, देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। मंगल सांगवान जी, देखांगे भाई। बरसीन कुकर बोई जावा है, जमा सीधा सा सवाल है इसमें, ये वेद पढ़ने हैं। सुखविंदर सोरन जी, हल द्वारा, कलन विधि से, ट्रैक्टर द्वारा, छांट द्वारा? इनमें से बताना है भाई आपने। कुकर बोई जावा बरसीन। हमें गर्व है श्रीमान जी, कोई आस पड़ोस से कहता है कि आप तो हरिकेश कापड़ो वाले गांव के हो। अरे वाह धन्यवाद भाई साहब, हरिकेश कापड़ो, अच्छा ऐसा मशहूर हो गया कि मैं ना इसी। कोई बात नहीं भाई, मतलब मैं भी एक छोटा सा, एक अदना सा अध्यापक हूं, और भगवान ने ड्यूटी दी है। कोरोना जैसी बीमारी आ रही है दूर, हाँ बच्चा तो है, अपनी फसल तो है, मैं भी एक किसान हूँ, बच्चे विद्यार्थी मेरी फसल है, मेरी कक्षा के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। दूर है, मजबूरी है, सरकार के ऑर्डर हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम का तो जुड़े जुड़ा, वीडियो कॉलिंग द्वारा, फोन करके, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, फेसबुक से, बतेरे माध्यम दे रखे हैं विज्ञान ने, तो कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं। 20 के 20 बच्चे मेरे मतलब जो इसे पारंगत हो रहे हैं भाई, 5वीं क्लास है मेरे पास। जानकारी के लिए बता दूं, मेरा विद्यालय 2 बार 33-33 हजार जीत चुका है, हरियाणा जीके और प्रश्नोत्तरी और क्विज में, और साथ के साथ में सिलेबस में जीन जिले में पहला नंबर लिया है 2 बार 33-33 हजार जीत कर। कल की वीडियो आपने देखी भी होगी इंटरव्यू की, और प्राइवेट स्कूलों को भी हमने हराया है भाई, गर्व है इस बात का विद्यार्थियों ने। और गर्व के लिए बता दूं भाई, 20 के 20 बच्चे इसे हैं, बिल्ली की ढाल कुकरे गेट दे ऊपर तो सीधे पड़ेंगे, अले जमा पा रहे तेने, मतलब इतने बना रखे चैंडर थे, तो कोरोना की स्थिति होगी बड़ी ही। अच्छा, 10 दिन पीछे बोया था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल संदीप सिंह मार। अमरपाल आईडी से छांट द्वारा, सुभाष टंडन, राजेश सोनी जी, सुनील श्रीवास जी, छांट से बता रहे हैं भाई सारे के सारे। तारा के कहना मोड़ा में भाई, मान लिया भाई कहना, सही उत्तर है, बिल्कुल जीनियस बने हैं, तब न ज्ञान है इस बात का। कुकर बोई जावा है, माल्याल द्वारा, या ट्रैक्टर द्वारा, या कलन विधि से कहोगे, सारे के सारे जीनियस है। जो ऊपर मैं बात में बढ़ रहा था, कई जवाब जा चुके हैं। सुनील शिवाच आईडी से स्वागत है भाई साहब आपका। सुनील शर्मा आईडी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बार रुकाई नीम जर आई, तोता बंदा आई, और बाघ पकड़ाई, इसमें अलग बताओ भाई की है। हरियाणवी रीति रिवाजों का बेरा होगा, हरियाणवी परंपराओं का बेरा होगा, ब्याह शादिया में, या हमारे किसी विशेष मौके पर कौन सा मतलब एक परंपरा रीति रिवाज निभाया जावे उसका बेरा होगा, तो सही जवाब दे दोगे, और नहीं तो भाई मार खा दोगे। पेंसिल कलम कागज किताब उठाने, इसमें
बूटे दौरा जो बैठेगा पैर बोचेगा कट रगड़ेगा उसने बेरा होगा इस चीज का। बार रुकाए तोता शुभकामनाएं। सुभाष टंडन धन्यवाद भाई साहब। हरिकेश कैपड़ो फेसबुक चैनल पर मैंने आपका थोड़ा सा मैंने परिचय दिया भाई, आपने क्लास से दूर हाँ लेकिन बच्चा तो दिल से दूर को नहीं, कहीं ना कहीं से तन की दूरी है मन की दूरी को नहीं, तो मतलब जुड़ने की कोशिश करा। मेरी कक्षा के विद्यार्थी भी लाइव प्रसारण में जुड़ते हैं, देखते हैं, जवाब देते हैं। और कुलवीर को लाइव प्रसारण स्वागत है भाई साहब आपका। फिर मैंने सोचा भाई मतलब 20 ए में है और 19 बी में, 39 बच्चे हैं, 39 बच्चों की बजाय हरियाणा के 39,000 बच्चों को ज्ञान पहुंचाया जाए ये लक्ष्य है, इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया है। पहली तले के 5 मिनट का सारा सिलेबस डाल रखा है। अगर बच्चे फायदा उठानिया हो सरकारी स्कूल में, सुभाष टंडन भाई अपने बालक है सरकारी स्कूल में जो 200-250 बालक हैं सबको बताना, और भी जितने साथी जुड़े हुए हैं सरकारी स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो पे लाइव प्रसारण में मैं आपको आह्वान करता हूं। अकेला मेरे से कुछ नहीं होने वाला साथी, देखो मेरे कंधों के ऊपर जो मातृभूमि का भार है उसको आप आगे बढ़ा करके सफल बना सको। अकेला चना के बाढ़ फोड़ेगा भाई, सीधी बात है। कल्ला महात्मा गांधी जिधर ने दे जावर नहीं तो उसके बस की बात कौन थी, अंग्रेजा ने बजाना, जनता ने सहयोग दिया जब जाकर उठा मामला। तो मतलब है थोड़ा सा ठेठ हरियाणवी में कूणा खोदरा में शिक्षा फैला है, झुग्गी झोपड़िया में बालक पढ़े, एक जरूरतमंद बालक फायदा उठावे, शिक्षक से दूर है, माँ बाप से भी मान लिया उसको फायदा नहीं मिल रहा है, अनपढ़ माँ बाप से तो भी वो यूट्यूब चैनल का फायदा ले सके कहीं ना कहीं से, इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया है भाई हरिकेश कापड़ो नाम था। ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़े, पुण्य का काम है, शिक्षा फैलाई फैलिया करा है। वेदपाल जी लाइव प्रसारण स्वागत है भाई साहब आपका। कुलवीर गोयल जी अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक भी उत्तर नहीं आया इसके लिए। बार रुकाई नीम जराई तोता बंधाई बाघ पकड़ाई, इनमें तय सही अलग बताना कौन सा है। बार रुकाई नीम जराई तोता बंधाई और बाघ पकड़ाई, बाघ पकड़ाई बार रुकाई नीम जराई तोता बधाई, देखते हैं कौन सा अलग बताओगे भाई। इनमें तीन एक सी परंपराएं हैं और एक अलग परंपरा है, रीति रिवाज हमारे अपने हैं, तो देखते हैं कौन सा अलग बताओगे इसमें तो अलग कौन सा है। हाँ नेग है, ये नेग है सारे, लेकिन न्यू बताओ यह सब कुछ आप कर रहे हो गुरु जी। हाँ सुभाष टंडन जी मैं कुछ नहीं कर रहा, अगर आगे नहीं बांटोगे तो मैं कुछ नहीं करने वाला, सीधी बात है। संदीप चोपल जी अध्यापकों के सिरमौर साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सक्रिय साथी, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण स्वागत है भाई साहब आपका। एक तोता बंधाई कह रहा है भाई, एक नीम झड़ना कह रहा है संदीप शर्मा साहिल, तोता बंधाई कह रहे हैं नरेश पूनिया, सुभाष टंडन तोता बंधाई कह रहा है, चार ऑप्शन है भैया। बार रुकाई नीम जराई तोता बंधाई बाघ पकड़ाई, इनमें तो एक अलग है, तीन एक सी प्रक्रिया है, तो यूं बताना है किस आधार पर कौन सी अलग है। नेग तो सारे ही हैं, नेग तो सारे हमें देना पड़ा है, किमकि में चल लेना पड़ा है, बाघ पकड़ाई में लेवा भी सा। हाँ 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 संदीप शर्मा साहिल जी, शादी के समय जीजा साली की परंपरा है ये, तो परंपराएं हैं लेकिन एक अलग है, उसमें से कौन सा अलग है यूं बताना है। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर। हाँ संदीप सिंगमार, अरे वाह बहुत जीनियस बैठे आड़ा दो भाई बालक भाई, के खा करो हो रहा है कि मैं बादाम बदूम कौन से खा करो, हलवा खीर पूरी, फोन में गेट दिया करो, स्क्रीन चैट लिया करूंगा थोड़ी सी, बहुत अच्छे भाई जीनियस बालक बैठे हैं सारे के सारे, सही जवाब दिया है बिल्कुल, और भी कई जवाब ऊपर आ चुके हैं, अंकुश ने सही जवाब दे दिया है बिल्कुल। देखो बार रुकाई मैरिज में हुआ ऐसा है, और भी तो मैरिज में हुआ है भाई, बार रुकाई की बजाय नीम जड़ाई तो मैरिज में हुआ है, नया मकान के समय बांधा जावा है, सुभाष टंडन ने बताया, बहुत अच्छा जवाब दिया है पंकज ने, सही जवाब दिया है भाई सुनील कुमार आईडी से जी के प्रश्नोत्तरी में। बार रुकाई नीम जड़ाई तोता बंधाई बाघ पकड़ाई, इनमें तो यूं बताना है एक अलग है भाई, कौन सा अलग है। आकृति दीप्ति ने सही जवाब दिया है बिल्कुल, बहुत अच्छे। मंगल सांगवान जी जी बहुत अच्छे जवाब दिया है बिल्कुल भाई, जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण बहुत अच्छा, सही जवाब दे रहे हैं, जीनियस बन रहे हैं, एंडी जवाब दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छे शाबाश। तोता बंधाई अलग है क्योंकि मकान बनाने का टाइम पे ध्यान ही ना बुलाया करते, और वह पानी या जो मतलब अपना जोड़ झाड़ा मत गहरा का पानी ढोया करती, और उस टाइम पर नेग दिया करते उसने, और पूरा टाइम लेकर आया करती, आजकल की डालियों को नहीं मोटरसाइकिल पर आई और 2 घंटे रही तोता बंधा छुटकली, न्यू को नहीं होया करता तोता बंधाई।
वाह चेत जी, मैं हर एक का हिस्सा होया करता, छोटे बड़का ता लेकर मिस्त्री ता लेकर मजदूर ता लेकर करके सारे खत्म खत्म होया करते, जो ही मकान बनाया करते। तो तोता बंधाई एक मकान निर्माण की प्रक्रिया में परंपरा है और बाकी ब्याह की परंपरा है, तो इसलिए तोता बंधाई अलग हो गया। या फिर थोड़ा सा अलग लेवा तो बार रुकाई नेम जरा आई तोता बंधाई छोरी लुगाई करया करे हर बाग पकड़ाई आदमी करया करा है। जे अलग तर्क देना चाहो तो अगर मतलब तर्क होना चाहिए फिर अपना उसके पास, लेकिन सही तोता है बंधाई से। तो भाई प्यारे बड़को बहुत अच्छा लग गया, लाडवो रसगुल्लो सारे के सारे अच्छी तरह जुड़े, अच्छे जवाब दिए, जीनियस बने। एक एक बार अच्छा अच्छा जो ग्रुप हो आपका मनपसंद उसमें शेयर जरूर कर दियो। और भाई यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताया है, अकेला चना बाढ़ नहीं फूट सकता, मेहनत मेरी सहयोग आपका, उज्जवल भविष्य होगा बच्चों का। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ो को बढ़ाएं, आगे शेयर करें, सदस्य बढ़ावे, फोन करके बोल रहे, गाल गली में कोई दुकानदार भाई है, किसान भाई है, विद्यार्थी है, कोई भी मतलब सरकारी सेवा में है, शिक्षक साथी है, तो यूट्यूब चैनल ऋषिकेश कापड़ो बतावे बच्चा ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो फायदा उठा सके, हो सके। बताएगा ना आप तो जाकर सो जो, मैं भी अड़े सुत्या हूँ। और बालक के मेरा यूट्यूब चैनल पर 17वां पाठ पढ़ता हूँ ईवीएस का, 11वां पाठ पढ़ता हूँ इंग्लिश का। तो अपना के बिगड़ा है वह एक बार बताना, मैं कि मैं न्यू थोड़ा है खर्चा हुआ है मीटर में, तो अपना कोई तेल नहीं जलता बताने में। प्यारे साथियों यूट्यूब चैनल ठेठ हरियाणवी में बता रखा है, बालक की जो मातृभाषा उसमें बता रखा है। ज्यादा ज्यादा यूट्यूब चैनल को शेयर करें, इसके लिए आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन, साधुवाद, धन्यवाद होगा। और हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर फिर गेड़ा मारियो, अगले लाइव प्रसारण की आपको सूचना दे दी जाओगी। और भाई फेसबुक पेज का लिंक मैंने डाल रखा है, तो उस लिंक पर भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि भविष्य में उसी के ऊपर लाइव आ करेंगे, उसके बाद फिर लाइव आवांगे मोनेटाइज होने के बाद यूट्यूब चैनल पर लाइव, फिर बिलांगे ताता ताता हलवा बनवा लियो। ई बहुत बार हो कि अपने बैठिया ने अपना स्वाध्याय करियो, किताब पढ़ियो, माँ बाप के पास ज्यादा बैठोगे, बड़ा बूढ़े दादा दादी के पास संगति लेओगे, उनकी संगति का फायदा उठाओगे, तो ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि अभिवादन शीलेश चयनितम वर्धोप सेवने चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, बड़े बूढ़े की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो प्यारे बच्चों, तो मतलब हमने अगर अपना नाम रोशन करना है, भविष्य में आशीर्वाद लेकर के चलना है, अपने मानव संस्कृति का उद्धार करना है, देश की भलाई करनी है, समाज का कल्याण करना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा बड़े बूढ़ों से अनुभव सीखने चाहिए, ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होने खातर नॉलेज, ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है, गुण शिक्षा संस्कार अपने बहुत जरूरी है, और आपने प्राचीन रीति रिवाज परंपराएं जो अगर दी, अच्छी परंपराओं अगर दी, मैं उनका पक्षधर हूँ, बुरी परंपराओं का पक्षधर नहीं हूं मैं। तो सोच समझ कर तर्क वितर्क का विकास करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपना बड़ों के पास बैठे हैं, अनुभव हुआ उनके पास, वो निचोड़ चूस है पीवे, ज्ञान का भरोटा हुआ है, घोल का पीजे है, और भाई अग्न भी बांट है। छोटे छोटे बच्चे भी मतलब अगर भविष्य में अगर लाइव प्रसारण देना चाहे या कोई शिक्षक साथी आना चाहे तो स्वागत है उनका। तो जीके प्रश्नोत्तरी में लाइव प्रसारण में फिर मिलावे। ईब आप सारे ने राम राम, हलवा चढ़वा लो, यू आया बस ले तारा, घर न मैं जानू हूं गाड़ में भरना है, कोने काना है आ थड़ा कनी उनका भरना, मैं यू बढ़िया 5 मिनट में आ लूंगा, इतना शरण शरण हो गया लो हलवा में, इतना आ लूंगा बस ले। तो फिर मिलावे, अगले प्रश्न की सूचना आपको दे दी जाओगी। बहुत बहुत